सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस, ये है मेरे पास रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी चैनल पर लाइव कर दी है, तो आप देख सकते हो अनबॉक्सिंग में कि इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको कैसा मिलने वाला है। क्या वो बर्ड्स वायरलेस 2 के बराबर का प्रीमियम मिलने वाला है या फिर आपको थोड़ा सा चीप और एक बजट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो देखो, यहाँ पर जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी, फर्स्ट इंप्रेशन मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए, वहां पर मेरे को कुछ ही आउटस्टैंडिंग नहीं लगा। बिल्कुल एक एवरेज, जो जैसे वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड है या ओप्पो एनको M32 है, तो वैसे ही नेकबैंड के बराबर का मेरे को इसके अंदर एक्सपीरियंस देखने को मिला है। लेकिन इस नेकबैंड के साथ एक खास चीज है जो मैं आज आप सभी के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके अंदर नेकबैंड है। अब देखो, कोई और ब्रांड का अगर आप लेते हो तो उसके अंदर भी आपको सिर्फ नेकबैंड मिलता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, यूज करो बस। लेकिन Realme के नेकबैंड के साथ एक खास चीज हमेशा आती है और वो है ऐप कंपैटिबल। मतलब वो एक चीज लिखी हुई है, वर्क्स विद Realme लिंक ऐप। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये Realme लिंक ऐप के साथ भी काम करता है और वहीं पर ही उसी ऐप के अंदर इसका ट्रू पोटेंशियल निकल कर आता है कि ये नेकबैंड एक्चुअल में क्या चीज है साउंड के मामले में। तो आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे Realme लिंक ऐप के अंदर बर्ड्स वायरलेस 3 को, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स मिलती हैं। तो यहां पर साथ के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग आती रहेगी, तो यहां पर मैं एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूं। यहां पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लिया है और अब मैं इन्हें हटा लेता हूं जिससे कनेक्ट हो जाएंगे और एक कान में लगा लेते हैं। तो ये यहां पर कनेक्ट हो चुका है, बीप आ गई है। अब चलते हैं Realme लिंक ऐप के अंदर और वहां पर एक्चुअल में समझ आएगा कि ये नेकबैंड कितना ज्यादा बढ़िया बिल्ड किया गया है। यहां पर हम चलते हैं, ये यहां पर Realme बर्ड्स वायरलेस 3 है। उसके बाद यहां पर देखो, ये इसका होम स्क्रीन है, नॉइस कंट्रोल का ऑप्शन है। तो अगर आप सेटअप नहीं करोगे तो नॉइस कैंसिलेशन के जो ये बटन है, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट मोड और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मोड, इन दो के अंदर जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप मोड स्विचिंग के अंदर जाकर ऑफ वाले को भी क्लिक कर देना, तो ये तीनों मोड ही आप बटन से ही एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है वो है साउंड इफेक्ट का। अब यहाँ पर देखो, साउंड इफेक्ट मोड लिखा हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो भाई इसके अंदर है सरनाडे करके एक मोड है सबसे पहला, उसके बाद ओरिजिनल साउंड है, प्योर बेस है और डीप बेस है। और यहीं पर ही इस नेकबैंड का एक्चुअल पोटेंशियल निकल कर आता है। मतलब जो ये ब्रांड क्लेम कर रहा था ट्रू बेस, बेस किंग, तो एक्चुअल में यहाँ पर ये है। और यहाँ पर देखो, मैं आपको ये चीज एक्सपीरियंस तो नहीं करा सकता, ये तो आप खुद कान में लगा के इन मोड्स को एक्टिव करके ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। लेकिन मैं यहाँ पर अपने खुद के एक्सपीरियंस के दम पे बता रहा हूँ, भाई बहुत ही तगड़ा साउंड है। और अगर आप इनके साथ खेलोगे ना, तो आपको जो Realme बर्ड्स वायरलेस 2 के अंदर LDAC मिलता था सोनी का, तो उसकी कमी महसूस नहीं होगी। ये तो रहा इसका मोड। उसके बाद है, एक ऑप्शन आता है स्पेशल ऑडियो, ये लिखा हुआ यहाँ पर, जिसके अंदर है 360 डिग्री साउंड का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और यहाँ पर ये चीज आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप इसे ऑन करोगे, अदरवाइज तो आपको बस लेफ्ट और राइट से आवाज आती सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आप इस पे लिसन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ऐसा लगे जैसे आपके फ्रंट से और पीछे से भी साउंड आपको आ रहा है। तो 360 डिग्री वाला एक्सपीरियंस ये एक्चुअल में आपको देगा। ये तो रहा चलो नॉर्मल प्रीसेट्स का। अब बेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब आपको कितना बेस चाहिए आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो। ये मोड आपको मिलता है डायनामिक बेस के अंदर, तो जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तो आपके पास -5 से लेकर +5 तक की सेटिंग है। तो -5 में आई थिंक आपको कम बेस मिलता है और +5 के अंदर आपको ज्यादा डीप बेस मिलता है। ये लोग इतने पे भी नहीं रुके हैं, इससे ज्यादा और यहाँ पर ऐड किया है, वो है वॉल्यूम इनहेंसर। अगर आपको लगता है इतने सारे मोड्स के साथ खेलने के बाद आपको फिर भी लग रहा है कि भाई साउंड कम आ रहा है यार, और आना चाहिए, तो आप यहाँ पर वॉल्यूम इनहेंसर को ऑन कर सकते हो। इतना कुछ मैंने आपको बता दिया स्नेकबैंड के लिए, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, वो है डॉल्बी एटमॉस। मतलब यहाँ पर डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी आपको इस नेकबैंड के अंदर देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पर जैसे हम इस पर टैप करते हैं तो डॉल्बी एटमॉस। अब देखो, नेकबैंड के साथ साथ आपका फोन भी सपोर्टेड होना चाहिए, तभी आपके फोन का जो डॉल्बी ऑडियो है वो यहाँ पर प्रॉपर चलेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। तो डॉल्बी एटमॉस को ऑन करने के बाद देखो, यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एनवायरमेंटल प्रोफाइल और है सिनेरियो स्पेसिफिक प्रोफाइल। एनवायरमेंटल पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि सूट फॉर लो नॉइस एनवायरमेंट, उसके बाद नॉइजी प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद है एंजॉयिंग एंटरटेनमेंट ऑन फ्लाइट। यहाँ पर जो आपको प्रीसेट चाहिए आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। फिर सिनेरियो स्पेसिफिक प्रोफाइल्स भी हैं,
ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज द साउंड बेस्ड ऑन यूजर सिनेरियो, 3D रियल सराउंड साउंड है, तो इतना कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तो रहा साउंड का और साउंड क्वालिटी का, अब इसके और फीचर्स को देखते हैं। पहला है डुअल डिवाइस कनेक्शन। ये मैं रियलमी के नेकबैंड के अंदर काफी टाइम से मिस कर रहा था। रियलमी के पहले के डिवाइस के अंदर क्या होता था कि अगर हमें किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होना होता था तो हम जिससे कनेक्ट हैं उससे डिसकनेक्ट होके हम दूसरे से कनेक्ट होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप दो डिवाइस के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो सकते हो, मतलब आपके पास लैपटॉप है और आपका फोन है तो आपके दोनों डिवाइस आपके नेकबैंड के साथ कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप लैपटॉप में गाने सुन रहे हैं और आपके मोबाइल पे कॉल आती है तो आपके नेकबैंड में आपको पता लगेगी और आप वहां से पिकअप कर सकते हो विदाउट लैपटॉप से डिसकनेक्ट हुए। जैसे यहाँ पर डुअल डिवाइस पे कनेक्ट करते हो तो देखो यहाँ पर डुअल डिवाइस कनेक्शन है। यहाँ पर रियलमी लिंक ऐप के अंदर आपको इसे ऑन करना होगा और उसके बाद आपने जो डिवाइस है वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर है गेम मोड। अब देखो गेम मोड के अंदर आप अगर आप पबजी खेलते हो वायरलेस नेकबैंड के साथ पबजी खेलना चाहते हो तो आपको 40, 44, 48 या 88 MS की लेटेंसी के साथ आप इससे पबजी भी खेल सकते हो। हालांकि वायर्ड ईयरफोन वाला एक्सपीरियंस आपको ये नहीं देने वाले, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन चलो एक अच्छा यार कुछ ना से कुछ सही, तो ये चीज मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है यार रियलमी ने ये चीज करी है। उसके बाद है कैमरा रिलेटेड सेटिंग। तो यहाँ पर देखो कैमरा रिलेटेड कैमरा कंट्रोल है। When using the camera, double press the multifunction button to take picture. तो यहाँ पर ये भी आपको मिल जाता है। एक बार देखते हैं क्या पता ये यहाँ पर क्या पता यहाँ पर ये कैप्चर कर ले। तो देख मैं ये मल्टीफंक्शन बटन है इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये देखो ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, दैट मीन्स कि ये बटन काम कर रहा है। तो ये चीज भी यहाँ पर रियलमी ने एड कर दी है। मतलब उसके बाद है फाइंड माई फोन। अब यहाँ पर ये भी एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं। फाइंड माई फोन पे मैंने क्लिक कर दिया सेटिंग और यहाँ पर ऐप प्रोटेक्शन का ऑप्शन आता है, हमने ऑन कर दिया। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं देखता हूँ इसे ऑन करके, ठीक है। When your headset is connected to your phone, press multifunction button 4 times continuously to find your phone. पर मैं इसे रख देता हूँ। देखो अब ये मल्टीफंक्शन बटन है, इसे 4 बार प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये रहा मल्टीफंक्शन बटन, 1, 2, 3, 4। तो साउंड आप यहाँ पे सुन सकते हो, तो ये भी एक अच्छा फीचर है भाई। सच में किसी नेकबैंड के अंदर ये सबसे बेस्ट फीचर मेरे को लगा कि चलो आपका फोन अगर आप कहीं रख के भूल गए हो तो आप अपने नेकबैंड से अपने फोन को फाइंड कर सकते हो। उसके बाद है जेस्चर ऑपरेशन। अब भाई देखो इतना कुछ फीचर्स देने के बाद एक और यहाँ पर रह गया है, वो है जेस्चर ऑपरेशन। इस पे आप ओपन करते हो तो देखो ये आई थिंक एक यूजर गाइड है जिसमें आपको बता रहा है कौन से बटन से क्या काम होगा, तो वो आपको ऑलरेडी पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सब कुछ है कि भाई आपको कौन से मोड पे कहां कैसे स्विच करना है, कौन से बटन से क्या होगा, ये सब ये यहाँ पर ऑलरेडी बता रहा है। बाकी ये फर्मवेयर अपग्रेड है। तो यहाँ पर ये है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3। तो अगर आप रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 को लेने की सोच रहे हो तो भाई देखो हार्डवेयर और इन हैंड फील आपको भले वो प्रीमियम बर्ड्स वायरलेस 2 या फिर बर्ड्स वायरलेस प्रो जैसी ना मिले, लेकिन आपको यूजर एक्सपीरियंस डेफिनेटली प्रीमियम वाला मिलने वाला है। जो जो फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं तो ये सभी मैं आप सभी का शेयर करना चाह रहा था। तो इस वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसकी एक कंपेरिजन वीडियो भी आएगी रियलमी बर्ड्स वायरलेस प्रो के साथ, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।